हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ाया था उसके बाद में जो आज है, आज ही लास्ट टॉपिक है आपके जो यूनिट 1 का। यानी कि देखिए, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं BSc 5th सेमेस्टर के लिए जो है फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का पार्ट बी मैथमेटिक्स का। तो इसमें चल रहा था आपका लीनियर एलजेब्रा, और उसकी पहली यूनिट है वेक्टर स्पेस। तो जो वेक्टर स्पेस वाली जो यूनिट है उसका आज लगभग लास्ट टॉपिक है। लगभग क्या, आज लास्ट ही टॉपिक है, यानी कि आज आपकी लास्ट क्लासेस हैं। और ये मान लीजिए, अब ये नहीं कि देखिए 4 यूनिट हैं तो क्या आपका 25% सिलेबस ही पूरा हुआ है। दरअसल क्या है, वेक्टर स्पेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि बाकी तीनों जितने बड़े हैं ना, आपका जो अकेला वेक्टर स्पेस उतना ही बड़ा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका 45-50% सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसका लास्ट टॉपिक है आपका क्वोशेंट स्पेस। क्वोशेंट स्पेस हम बस क्या है, उसमें दो तो आपकी थ्योरम है, जिनमें से एक थ्योरम तो बल्कि हम कल कर चुके हैं, क्योंकि वो थ्योरम डायमेंशन की भी थी और क्वोशेंट स्पेस में भी है, वो दोनों की मिक्स थ्योरम थी। तो मैंने क्या है, वो कल आपका जो जो आपका डायमेंशन में ही करा दिया था उसे, क्योंकि वो अपनी जस्ट पहले वाली थ्योरम से मैच कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर करा दिया था। और दो चार जो पॉइंट्स थे मैंने क्वोशेंट स्पेस के कल भी बता दिए थे, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोसेट्स, यानी कि कोसेंट स्पेस को जानने से पहले हमें कोसेट पढ़ेंगे। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी इट्स एनी सब स्पेस, देन द सेट क्या होगा, अल्फा प्लस डब्ल्यू, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होंगे और बीटा बिलोंग्स करेगा आपका डब्ल्यू को, एंड डब्ल्यू प्लस अल्फा, और यहाँ पर होगा बीटा प्लस अल्फा। यानी कि दोनों साइड में हम कैसे लिख दें, वेयर अल्फा क्या कहलाएगा, इज आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ वी एंड देयर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट। ये आपका लेफ्ट होगा और ये होगा राइट होगा आपका, ठीक है। जहां पर लेफ्ट साइड में है इसे आप लेफ्ट बोलेंगे, जहां पर अल्फा राइट साइड में है इसे आप राइट बोलेंगे। कोसेट होंगे ये रेस्पेक्टिवली। एडिशन इज कम्यूटेटिव इन वी। अब एडिशन हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव होता है वैक्टर में, तो क्या होगा, अल्फा प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस अल्फा, दोनों ही कंडीशन ये आपकी सेम होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये कोसेट की है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में तो नहीं आती है, लेकिन क्या है, ये जो हम यहाँ पर ऑपरेशन आपको बता रहे हैं तो ये क्या आपकी थ्योरम्स में यूज होंगे। और क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कोसेट्स, लेट वी बी ए वैक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी इट्स एनी सब स्पेस। तो क्या है, लेट अल्फा और बीटा बी द टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वी एंड लेट, तो क्या करते हैं कि अल्फा प्लस डब्ल्यू और बीटा प्लस डब्ल्यू बी टू कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन वी, देन कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए। तो हेलो स्टूडेंट, तो देखिए अभी हमारे पास जो एक थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये क्वोशेंट स्पेस की मेन थ्योरम है। तो अब हम इसे करते हैं। इस थ्योरम में क्या कहा गया है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि देखिए, इफ वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी, देन द सेट, सेट ये जो वी अपॉन डब्ल्यू है, कि अल्फा प्लस डब्ल्यू होगा और जहां पे अल्फा बिलोंग्स करेगा वेक्टर स्पेस वी को, इज ए वेक्टर स्पेस, यानी कि हमें ये वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ओवर द फील्ड एफ विद रेस्पेक्ट टू लीनियर कंपोजिशन, इतने लीनियर कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में करना है। यानी कि आपको ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो जो दे दी है कि इन ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते चलना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी। और आपको क्या करना है, ये जो वी अपॉन डब्ल्यू को एक स्पेस प्रूव करना है, ये वेक्टर स्पेस है ये प्रूव करना है। तो देखिए, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि देखिए, वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए टोटल 10 कंडीशन होती हैं, 10 एक्सियोम या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। तो हमें यहाँ पर वही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और ये वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाएगा। और क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन लग रही हैं, इसीलिए इस वी अपॉन डब्ल्यू वाली कंडीशन को जो क्या कहते हैं, इस वाले वेक्टर स्पेस को हम क्वोशेंट स्पेस कहते हैं। तो आपकी थ्योरम है यहाँ तक, ये आपको लैंग्वेज दे दी गई है। तो अब हम प्रूव शुरू करते हैं इसका, कि लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, देन वी अपॉन डब्ल्यू प्लस, यानी प्लस के रेस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है। पहले तो ग्रुप की पांचों जो आपकी एक्सियोम है वो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। तो कौन कौन सी होती है, देखिए फर्स्ट होती है आपकी ये,
कि लेट अब की बार हम क्या कर लेंगे कि अल्फा प्लस डब्ल्यू बीटा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स कर रहा है वी अपॉन डब्ल्यू के, क्योंकि हमें वी अपॉन डब्ल्यू के प्रूव करना है, जहां पर अल्फा और बीटा जो इसके ये एलिमेंट हैं, ये वेक्टर के एलिमेंट हैं। तो क्या होगा, देखिए जब इनका सम करते हैं कि ये देखिए अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू, जहां पर ये वी अपॉन डब्ल्यू के हैं तो लिख चुके हैं ठीक। और जब इनका हम सम करेंगे, आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये 2W तो होगा नहीं, मैंने बताया था आपको एक ही W लिख देना है, ये होगी कंडीशन। और जहाँ पर ये जो कंडीशन है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस W, ये आपकी बिलोंग्स कर रही है V अपॉन W में ठीक। तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर आपकी कंडीशन सेकंड होती है कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस सॉरी अल्फा प्लस W, बीटा प्लस W और एक ले लिया गामा प्लस W, ये बिलोंग्स कर रहे हैं V अपॉन W के। अब हम प्रूव करने से होता नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये यहाँ पर अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट है बीटा प्लस डब्ल्यू प्लस गामा प्लस डब्ल्यू। तो पहले हम इसे ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं, तो क्या होगा, बीटा प्लस गामा और एक डब्ल्यू हो गया। अभी यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर हो जाएगा, अभी इसे ब्रैकेट को हटाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और फिर से एक डब्ल्यू। अगर अब हम अगर चाहें तो क्या है, इसे वापस ज्यों का त्यों रख सकते हैं। और एक खास बात हो रही है कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डब्ल्यू है, ये बिलोंग्स करेगा V अपॉन W को। अब अल्फा को ले लिया साथ में W ले लिया, बीटा को लिया साथ में W लिया, गामा को लिया साथ में W लिया, यानी एक W जो है वापस, जैसे कई सारे W ऐड होकर एक ही W रहता है, वैसे एक W भी अलग अलग हमें W दे सकता है देखिए ठीक। अब ये आपकी क्या हो गई, अब इसे यहाँ पर अलग रखा और इन दोनों को सॉरी एक मिनट इन दोनों को क्या कर लिया ब्रैकेट में ले लिया, और ये हो गया आपका गामा प्लस डब्ल्यू अलग। तो ये आपकी दूसरी एग्जाम सेटिस्फाई होगी। अब क्या मान लेंगे, लेट जीरो प्लस डब्ल्यू बी आइडेंटिटी, कि ये आइडेंटिटी है एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा बी अपॉन डब्ल्यू को। तो क्या होगा, आइडेंटिटी में कोई अगर एलिमेंट जुड़ता है तो वो खुद आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जीरो प्लस डब्ल्यू था, तो जीरो प्लस अल्फा हुआ और एक डब्ल्यू, और जीरो और अल्फा जुड़कर तो अल्फा ही रहेगा, तो अल्फा प्लस डब्ल्यू। और यहाँ पर ये अल्फा प्लस डब्ल्यू जो है बिलोंग्स कर रहा है आपका वी अपॉन डब्ल्यू के, यानी कि आपकी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद क्या करते हैं सर, हम लेट कर लेते हैं चौथी कंडीशन कि माइनस अल्फा प्लस बीटा बी इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देन इनवर्स में अगर कोई नंबर ऐड होता है तो वो क्या होता है इसमें जो सेट की डेफिनेशन में वो कहता है आपका जीरो एलिमेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने किया, इन्हें जब ऐड किया माइनस अल्फा प्लस अल्फा को तो ये जीरो हो गया, जीरो प्लस डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो ही हो गया आपका। तो यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस डब्ल्यू बीटा वो अल्फा प्लस डब्ल्यू क्या होंगे, बी अपॉन डब्ल्यू को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो आपकी चौथी एग्जाम सेटिस्फाई हो गई। पांचवी आपकी कि अल्फा प्लस डब्ल्यू और बीटा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स कर रहे हैं बी अपॉन डब्ल्यू के, देन अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू क्या होगा, इन्हें ऐड किया अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, और अब की बार बीटा को पहले लग के डब्ल्यू के साथ में ले लिया और अल्फा को बाद में, जहां पर अल्फा और बीटा बिलोंग्स करेंगे बी को। ये आपकी पांचवी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि आपकी जो पांचों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा ठीक। आपने बीएससी में के शायद थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और मैंने इसकी जो आपके जो ग्रुप की जो और रिंग और जो आपकी जो फील्ड की जो डेफिनेशन है, जो उनका बेसिक चीज है, उसके लिए मैंने एक लेक्चर आपको दिया था, सबसे पहला लेक्चर होगा इस प्लेलिस्ट में। उस लेक्चर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए जो वेक्टर स्पेस में हर बार हम ग्रुप और रिंग जो यूज कर रहे हैं ना, वो सारे उसी से क्लियर हो जाएंगे ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा और आप सीधे आकर लग गए हैं कि आपकी वेक्टर जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का हम जो लीनियर अलजेब्रा पूरा कर लेंगे तो नहीं होगा। उससे जो लेक्चर 1 को क्या है वो आपके सिलेबस में तो नहीं है वो टॉपिक, लेकिन आपको जानने बहुत जरूरी है ठीक है। तो आप जो इस प्लेलिस्ट का जो है लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना ठीक है। उसमें बेसिक डेफिनेशन है ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं, रिंग फील्ड तीनों ही आपको दिए हुए हैं ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वेक्टर स्पेस, उसके बाद से ही लगातार हर जगह ये यूज हो रहे हैं। तो इस डेफिनेशन में क्या है, हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना था, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में कहा गया कि ग्रुप वो जो है ना अबेलियन ग्रुप भी होना चाहिए, यानी ग्रुप अबेलियन ग्रुप की पांचों जो एग्जोम या प्रॉपर्टी कहते हैं जिन्हें वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पर कर गई हैं। उसके बाद जो है ना ये वेक्टर की जो पांच क्वालिटी हैं या चार क्वालिटी हुए हैं, इन्हें अब अच्छे से प्रूव कर देते हैं। पहला क्या होता है कि ए मान लिया कि बिलोंग्स कर रहा है फील्ड को, और अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा वी अपॉन डब्ल्यू को।
देन क्या होगा, इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए V अपॉन W को, तो A अल्फा प्लस W, क्योंकि भाई प्रोडक्ट भी इसके साथ नहीं होगा, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ये, हालांकि हमें पता है लेकिन ये जो आपको दे देते हैं लिख कर आपको थ्योरम में, तो ये हुआ जहाँ पर A अल्फा प्लस W ये बिलोंग्स करेगा V अपॉन W के, तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी में क्या, A बिलोंग्स कर रहा है आपका फील्ड में स्केलर, अल्फा प्लस डब्ल्यू और बीटा प्लस डब्ल्यू होंगे वी अपॉन डब्ल्यू में, देन ए की मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर करनी है, तो हमने करी तो ए की अल्फा में हुई और बी की और ए की बीटा में हुई, यहाँ पर डब्ल्यू में कुछ होता नहीं, बस एक डब्ल्यू लिख देना होता आपको प्लस में लिख दिया। इसके बाद होगा ए अल्फा प्लस डब्ल्यू और प्लस ए बीटा प्लस डब्ल्यू, इसके साथ में डब्ल्यू अलग लगा दिया और इसके साथ में डब्ल्यू अलग लगा दिया। अब यहाँ से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा प्लस डब्ल्यू और बीटा प्लस डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपका अल्फा प्लस जो डब्ल्यू है और बीटा प्लस डब्ल्यू जो है ये बिलोंग्स करेगा आपका वी अपॉन डब्ल्यू को, ठीक, दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी वेक्टर के लिए। तीसरी देखिए कि ए और बी बिलोंग्स करेगा फील्ड को और अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा वी अपॉन डब्ल्यू को, देन क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं ए को बाहर रखते हैं बी को अंदर ले जाते हैं, यही तो होती है प्रॉपर्टी, फिर क्या करेंगे बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अल्फा प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जहां पर क्या होगा कि बी अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स करेगा वी अपॉन डब्ल्यू को, ठीक है। चौथी कंडीशन होगी कि हमने मान लिया वन जो है एफ का स्केलर है और अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स कर रहा है वी अपॉन डब्ल्यू के, जब इसकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करते हैं वन की अल्फा प्लस डब्ल्यू में, तो वन की वन अल्फा में होगी ओनली और ये अल्फा ही रहेगा अल्फा प्लस डब्ल्यू, जो कि अल्फा प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स कर रहा है वी अपॉन डब्ल्यू के, जहां पर वन क्या होगा एक यूनिट एलिमेंट होगा जी। ऑल प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाइड, यानी कि अबेलियन ग्रुप की और जो वेक्टर की जो सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाइड कर दी हैं, जब सारी की सारी सेटिस्फाइड कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ऑल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड, हैंस वी अपॉन डब्ल्यू इज ए वैक्टर स्पेस, यानी कि एक वैक्टर स्पेस है, और इस तरह के वेक्टर स्पेस को क्योंकि एक विशेष कंडीशन के साथ में जो आपको गिविन है, इन कंडीशंस के हिसाब से हमने ये जो है प्रोसीजर किए हैं, जो 10 की 10 जो कंडीशन थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की, वो जो हमने सेटिस्फाइड करी हैं, ये इन स्पेशल गिविन कंडीशन जो है आपकी, इनके हिसाब से की है, तो ये स्पेस कैसा कहलाएगा, ये एक कोशंट स्पेस कहलाएगा, ठीक है सर। अब ये कोशंट स्पेस की जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो है ये थ्योरम है, इसके बाद एक थ्योरम और है लेकिन वो हम कल के उसमें ही कर चुके हैं, क्योंकि वो डायमेंशन से रिलेटेड भी थी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वो थ्योरम मैं बताता हूँ आपकी कौन सी है। आप इसका जब स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं आपको वो थ्योरम बता देता हूँ कि कल ही कराई थी मैंने, उसमें क्या है आपका कोशंट स्पेस यूज हुआ था, आपके याद आ जाएगा कि डायमेंशन m प्लस सॉरी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू और ये हो जाएगा डायमेंशन डब्ल्यू वन प्लस डायमेंशन डब्ल्यू टू माइनस डायमेंशन डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, ये जो आपको प्रूव करनी थी, ये जो है ना, अब कोशंट कोशंट स्पेस की कल थी वो डायमेंशन v अपॉन w और ये हो जाएगा डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w, ये वाली देखिए v अपॉन w क्या होता है, कोशंट स्पेस होता है, हमने अभी अभी प्रूव किया है, और इसकी जो डायमेंशन है डायमेंशन v और डायमेंशन w इनके डिफरेंस के इक्वल होती है, ये आपकी जो थ्योरम है मैं कल ही से करा चुका हूं, और इस थ्योरम को जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, और साथ में ये जो है ना थ्योरम दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने ये कल करा दी थी, आप इसे चाहे कोशंट स्पेस में कर लीजिए, तो दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपके लिए एक तरह से मानिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, ये जो मैंने आपको है ये मैंने कल करा चुका, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर देखना, और उसमें कोशंट स्पेस के जो दोनों है ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो यूज़ करके हमने इसे प्रूव किया है, क्योंकि इसमें जो डायमेंशन का काम था तो हमने उसी टॉपिक में मैंने इसे कवर कर दिया था, और ये जो आज डेफिनेशन कराई सॉरी थ्योरम कराई है कोशंट स्पेस की, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ आपका जो है वेक्टर स्पेस जो आपकी यूनिट वन है वो ख़त्म हो चुकी है,
यानी कि इसके जो हमने थ्योरी है, जो सारी की सारी जो थ्योरम्स हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जांपल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम करा चुके हैं। इसके अलावा आपको अपनी तरफ से भी कुछ एक्सरसाइज और जो कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है। जैसे कि आपकी, मैंने आपको बताया था प्रगति पब्लिकेशन की अगर बुक है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी, आपकी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर कोई जो अच्छी बुक मिल रही हो आप उसे ले सकते हैं। और इसमें जो एक्सरसाइज में है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं ज़्यादा, जिनके सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ दिए हुए हैं, आप चाहे तो उसे आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी जो है यूनिट वन ख़त्म हो गई है, यूनिट वन नहीं कह सकते आप इसे, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी की यूनिट वन है, लेकिन अगर पेपर की तो यूनिट फाइव है। तो वेक्टर स्पेस हमारे टॉपिक, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या पूरे हो चुके हैं। तो वेक्टर स्पेस, सब स्पेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंस ऑफ वैक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशन एंड कोशेंट स्पेस, इन सब के जो जो टॉपिक हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कल जो टॉपिक आपका चलेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है सर। तो आप कल से हम टॉपिक चलाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें क्या है डेफिनेशन है, कुछ थ्योरम है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपकी रैंक नलिटी थ्योरम, और उनका मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन। और मैं कोशिश करूंगा कि चार से पाँच जो क्लास में, यानी कि चार से पाँच वीडियो में ही आपकी जो यूनिट है शायद कंप्लीट हो जाए। थोड़ा देखेंगे, अगर क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, अगर अच्छे दिखते हैं, तो कुछ लगता है कि दो तीन क्लास और एक्स्ट्रा कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है अगली यूनिट, जो थर्ड यूनिट है, वो लीनियर फंक्शन, ड्वेल स्पेस, और ये आपकी कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये आपकी है। और लास्ट आपका, यूनिट तो छोटी है, उसमें दो चार जो है टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, टॉपिक ज़्यादा लिखे हुए हैं लेकिन हैं वो छोटे छोटे। तो इसी के साथ आप उसे आराम के साथ उसे कर सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और बधाई हो आपकी जो है पूरी एक यूनिट हो गई है। अगर आप देखें तो इसका जो फर्स्ट पेपर का 25% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जल्दी ही दो से चार दिन के बाद जो है ना आपका जो पार्ट ए, यानी कि ग्रुप एंड रिंग थ्योरी भी साथ साथ हम इसका आपका चला देंगे। यानी कि आपकी एक वीडियो डेली आएगी वेक्टर स्पेस, यानी मतलब लीनियर एलजेब्रा की, और लीनियर एलजेब्रा के साथ में एक वीडियो आएगी डेली फिर ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं, नमस्कार जी।